नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी हरियाणा में आने वाली बम्पर वैकेंसीज़ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो किसी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी CET की जो ये वैकेंसीज ये वो हैं जो आपकी CET से अलग आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि CET को हटाकर भी हरियाणा आयोग आपके लिए वैकेंसीज निकालेगा। ये दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, टीचर की 7649 पद भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आग्रह भेज दिया है और दोस्तों आयोग के पास अधियाचना भी जा चुकी है। चालू शैक्षिक सत्र में सरकारी स्कूलों में पिछले वर्ष की तुलना 1 लाख बच्चे कम हो गए हैं। पिछली बार विद्यार्थी संख्या 25 लाख थी, जो इस बार 24 लाख रह गई है। मंत्री को कुमार पाल ने बुधवार को विधानसभा में जानकारी दी। तो दोस्तों, यहां पर आपको सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग भर्ती के लिए आग्रह भेजा। तो दोस्तों, टीचर के लिए अधिसूचना जा चुकी है। जो भी टीचर के लिए तैयारी कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हाँ दोस्तों, आपको बम्पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों एग्जैक्टली नहीं पता किस मंथ आएगी, लेकिन हाँ, आने वाले समय में आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है और ये भर्ती आपकी CET से अलग की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेट आप तक पहुँचानी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के और अपडेट पाने के लिए नेटिजन ट्यूटर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।